हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन बायो स्टूडेंट हैशटैग टारगेट नीट। सो गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड PYQs करेंगे, जिसमें एक पहला क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन लिया हूँ मैंने। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस से अपोमिक्सिस क्या होता है, बिना क्या फर्टिलाइजेशन हुए सीड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। किसमें किसमें होता है, एस्टेरेसियन ग्रास, मस्टर्ड, सिट्रस एंड मैंगो। तो NCERT के चैप्टर में दिया हुआ है क्या, सिट्रस एंड मैंगोज। क्या पढ़े हो कि नहीं, देखो दिखा ही देता हूँ तुमको, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि NCERT एज इट हनुमान चालीसा की तरह पढ़ो, एक एक लाइन, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ एपोमिक्सिस दिया है एंड यहाँ सिट्रस एंड मैंगोज में वराइटीज न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रायो शेक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रायो शेप डेवलप इनटू एम्ब्रायो में हो जाता है आसपास के सेल्स। यहाँ देखो बोलता है ना, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो ओजोन का लेयर होता है ना, ओजोन का लेयर जो हमको अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग उसकी थिकनेस मोटाई को किस में नापते हैं। तो NCERT में दिया डॉप्सन यूनिट, क्या मानोगे या दिखा ही दो बगल में देख लो। एज इट हनुमान चालीसा, एक भी लाइन गड़बड़ नहीं चाहिए नीट के लिए। थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप एटमॉस्फेयर नॉइज डॉप्सन यूनिट DU शॉर्टकट। यहाँ देखो, ऑन्कोजोनिक वायरस इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैस, मिथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो और क्या है ग्रीन हाउस गैस, ये सब कोई जानता है। ऑन्कोजेनिक वायरस इज पैथोजन ऑफ, ऑन्कोजेनिक वायरस पैथोजन किसका है, तो हम लोग जानते हैं ऑन्कोजोन से क्या होता है, ऑन्कोजोन सब से ही हम लोग कैंसर समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनाने प्रोसेस को क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन में, एवरी वन नोज गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिससे कि गैमेट बनता है। साइटोकाइनेसिस तो सेल डिवीजन को कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस जिसमें स्पोर बनता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एंडोन्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस लाइगेज तो जोड़ने वाला होता है, और पॉलीमरेज नहीं, एक्सो और इंडो यहाँ दोनों होगा, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ छाप देता है जब NTA से गलती होता है नीट में, तो ये तो बिहार बोर्ड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका दो प्रकार है, एक्सो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस। सो दिस बोथ्स आर करेक्ट, थैंक यू। मैं आगे और बनाऊंगा वीडियोस PYQ पे, लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।